उत्तर प्रदेश के बांदा में दो दिवसीय दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने रविवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में तीमारदारों से बातचीत कर सब कुछ सही पाया गया। इस दौरान हृदय रोग डॉक्टर की तैनाती को लेकर शासन को पत्र लिखकर जल्द डॉक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। दरअसल मंत्री संजय निषाद ने दो दिवसीय दौरे पर सबसे पहले शनिवार को जनपद में पहुंचकर मेडिकल कॉलेज अकोरियम में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए शासन के द्वारा चलाई जा रही नीतियों के विषय में बताया और उनको जमीनी तौर पर उनको पहुंचाने के लिए कहा। उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में भाग लिया। उसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को अचानक जिले के अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही कैबिनेट मंत्री औचक निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की तो सब कुछ संतोषजनक पाया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि उनके दो दिवसीय दौरे के दौरान रविवार जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में फिलहाल कोई भी कमी नहीं पाई गई है। जहां पर कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल में हृदय रोग अल्ट्रासाउंड आदि से संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उन्होंने बताया कि इसको लेकर उनके द्वारा शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा और जल्द से जल्द यहां पर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक तो जो भी मेरा संतोषजनक रहा है, छोटे मोटे हैं जो कमियाँ थी उसको हिदायत दी गई है, आगे उसे सुधार लेंगे। लेकिन हम डॉक्टरों को बधाई देंगे और यहाँ की व्यवस्था को बधाई देंगे कि पहला ये सदर अस्पताल रहा कि आने के बाद लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे है जी। इसमें कुछ कमियाँ हैं उसे सुधारना पड़ेंगे। और एक न्यूज़ आज छप गई थी कि बिजली नहीं होने के नाते डॉक्टर गए तो उसे रोटी दे दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री से है तो वहाँ कोई रोका नहीं जा सकता। अटेंडेंट चले गए थे थोड़ी देर के लिए, बिजली नहीं थी तो जनरेटर है, अभी उसे मैनुअल करा रहा हूँ, अपने आप मैनुअल है उसे ऑटोमेटिक करा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक वो जनरेटर स्टार्ट होने में जितना टाइम लग जाएगा जी। बाकी साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं, सारे रोगियों ने संतुष्टि का उन्होंने दिया है और जो भी रोगी अटेंडेंट मिले हैं उन्होंने बताया कि मिली अभी हमारे पास एक ऐसी टीवी की रोगी मिली जिसके गार्जियन नहीं थे और अस्पताल में इलाज चल रहा है, सब 90% उसका लंग्स जो है डैमेज हो चुका है, तो ऐसे में उसे ग्रामीणोसिस कहते हैं, तो ऐसे में हिदायत दी गई कि उसका इलाज गार्जियन बनते यहाँ के सीएमओ सीएम काम करते।